जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने इसके कनेक्शन करने लगा हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। हमने पहले इसके बस बार के ज़रिए सीरीज़ कनेक्शन कर चुके हैं, तो अभी ये इनकी वायर्स हैं और ये इसका ग्रिप है। तो वायर्स के साथ थिम्बल नहीं लगे हुए थे, तो मैंने कुछ इस तरीके से थिम्बल इसके साथ एडजस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी हम ये थिम्बल जो है जस्ट इनके ऊपर ऐसे लगा कर और नट के साथ टाइट कर देंगे। तो ये हमारी वायर अटैच हो गई। अब इस ग्रिप में आप ये दूसरी वायर देख रहे हैं, ये वाली दूसरी वायर इस सेल के बिल्कुल सामने जो पॉजिटिव और अगले सेल के नेगेटिव से अटैच हो रहा है, तो वहाँ पर लगेगी। आप बेशक पॉजिटिव के साथ अटैच कर दें या नेगेटिव के साथ अटैच करें, क्योंकि ये दोनों बस बार के साथ अटैच हुए हैं। ये हमारी पहली वाली वायर भी लगी, दूसरी भी लगी, अब ये तीसरी वायर। फोर वायर, हमारी फोर वायर लगी हैं। अब ये फिफ्थ वायर, फिफ्थ वायर आपने पांचवे सेल के साथ अटैच करनी है। हमारे एक दो तीन चार, ये पांचवा, क्योंकि हमारे फोर ये वाला अटैच हो गया यहाँ के साथ, अभी यहाँ पे अटैच करेंगे। सिक्स, फ्रेंड यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है सेल। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि ये अभी सीरीज में कनेक्शन अटैच नहीं है, तो हमारे पास एक वायर हमने बनाकर रखी हुई है, ये वाली वायर है। हम इस सेल को इस सेल के साथ अटैच करते हैं यहाँ पर, और फिर मज़ीद अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा फ्रेंड, फिर BMS के भी साथ भी कनेक्शन कर लेते हैं। हमने पहली ये वायर लगा चुके हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर लगी हुई है। फिर इसके सामने वाला ये पॉइंट है, तो इससे अगर और ये जो हमारी वायर है इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड ये अब सीरीज़ में कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बस बार अटैच कर चुका हूँ पहले, तो ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था कि किस तरीके से बैटरी के कनेक्शन करेंगे और साथ BMS की वायर्स के। अब क्योंकि हमने वहाँ पर वायर अटैच कर लिया फ्रेंड, तो ये इसके साथ मिल रही है, अभी मज़ीद यहाँ पर वायर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से अब हमारा ये वाला पॉइंट है सामने, तो बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन करेंगे कि उससे अगली वायर वो इधर अटैच कर देंगे। और सेम फ्रेंड आपने देखा होगा कि पहले हम वहाँ पर नीचे की तरफ कनेक्शन करते गए थे, क्योंकि अब वहाँ से नीचे कनेक्शन करते हुए आ रहे हैं और यहाँ से फिर अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर वायर लगी हुई है ब्लैक, ये ब्लैक हमारा फर्स्ट पॉइंट है, और जहाँ एंड पॉइंट है ये है ना हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ पर हमारी बैटरीज एंड होती हैं। और अब ये सिर्फ इस ग्रिप में सिर्फ फ्रेंड ये एक आखिरी वायर बच गई है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब हमारा ये ग्रिप फिनिश हो गया है, अब ये ग्रिप यूज़ करते हैं। इस ग्रिप में फ्रेंड, क्योंकि हमने BMS ऐसे लगाना है, ऐसे BMS लगाना है, तो ये वाली हमारी, फिर इस वायर से हम आगे स्टार्ट करेंगे।
फ्रेंड आपने देखा कि यहाँ पर हमारा ऊपर तक सेल तक कंप्लीट हो गया कनेक्शन। अब आपने देखा ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट बच गया है, तो इसके ऊपर अब हमारे पास ये लास्ट वायर भी बच गई है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर लगा देंगे, हमारे कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं BMS की ग्रिप के वायर्स के। यहाँ फ्रेंड्स हमारी दो ग्रिप रेडी हो चुकी हैं BMS में लगाने के लिए। अब आ जाता है कि हमने BMS की वायर्स कैसे कैसे अटैच करनी है। हमने देखा ये BMS है हमारे पास 60 वोल्ट का, जिसमें एक ब्लू वायर है इस पर लिखा हुआ है B-नेगेटिव, और एक ये ब्लैक वायर है इसके ऊपर लिखा है P-नेगेटिव। फ्रेंड B-नेगेटिव बैटरी के मेन टर्मिनल से अटैच होगी, हमारा मेन टर्मिनल यही है जो हमने पहली वायर लगाई थी, तो ये ब्लू वायर को हम इसके साथ अटैच कर देंगे, और ये जो है हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, ये मैंने एक्स्ट्रा आगे लगा दी है ताकि वायर को एक्सटेंड किया जाए, तो ये हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए है नेगेटिव पॉइंट की। आप सोच रहे होंगे कि जी नेगेटिव अपना पॉजिटिव पॉइंट कौन सा होगा, तो फ्रेंड पॉजिटिव पॉइंट हमारा ये डायरेक्ट होगा, यहाँ से हम डायरेक्ट पॉजिटिव पॉइंट ले लेंगे, पॉजिटिव पॉइंट है, और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि मेरे पास ब्लैक वायर नहीं है, तो मैं भी इस पे स्लीव चढ़ा दूंगा, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट रेडी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स कैसे चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या गलत? फ्रेंड ये दो ग्रिप हमारे पास आ गए हैं, तो कैसे चेक करेंगे कि हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या गलत? हम एक अपना जो नेगेटिव पॉइंट है या मीटर का यहाँ पर रखेंगे और हर स्ट्रिप के साथ लगाएंगे, अगर जो पहले स्ट्रिंग पर वोल्ट आएंगे वो प्लस होते जाएंगे, इट्स मीन कि हमारे कनेक्शन ठीक हैं, अगर उनमें आगे पीछे को फ़र्क आ जाता है इसमें हमारे गलत हैं। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। अभी फ्रेंड यहाँ पर लगाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जहाँ पर वायर अटैच की है बैक पे, मैं तो वहीं पर अटैच कर देता हूँ, और अब यहाँ पर चेक करते हैं। आप देख रहे हैं मीटर में कितने वोल्ट आ रहे हैं, ये देखिए 3.3 वोल्ट है, इसी में 3.3 में फिर 3.3 प्लस हुए, तो ये 6.6, इसी तरीके से आगे प्लस होते जाएंगे 9.9, 13.22, 16.53, 19.83, 23.14, 26.145, 29.75, 33.06, 36.37, 39.67, 42.9, 46.2, इसमें कि हमारे अभी कनेक्शन ठीक हैं। अब मजीद आगे चेक करते हैं सेकंड स्ट्रिप पे 49.5, यहाँ पे पीछे देखा था 46 पॉइंट समथिंग थे, 46.2 हैं, यहाँ पर 49.5, मीन्स कि 3 पॉइंट समथिंग वोल्ट का डिफरेंस बरकरार है। 52.8, 56.1, 59.5, 62.8 और 66.1, तो ये हमारी बैटरी के जो वोल्ट आ रहे हैं वो 66 वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रेंड ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसके बाद यहाँ लगा दिया है, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर वायर लगा दिया है। आपने देखा BMS ने एक्टिव हो गया और 66 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये हमारे BMS के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह ही कनेक्शन होते हैं, अगर आप करना चाहें घर में बैटरी बैक बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।